दिखा ना दिखा ना दिखा ना, इसके अंदर बहुत कीमती है। आज हम करसंग जा रहे हैं, इसीलिए सुबह सुबह तैयार होके बैठे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी 8 o'clock को एग्जिट आ जाता है। और यहाँ से जितने भी गाड़ी जाता है सारा एक घोटे गाड़ी बोलते हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों को बिठा के लेके जाते हैं। तो इसीलिए हमें 8 o'clock को एग्जैक्टली हमें तैयार होके नीचे बैठना पड़ता है रोड पे निकल के। तो 8 o'clock को वो लोग लेके जाते हैं और 2 o'clock को वो लोग वापस लेके आते। इसीलिए हमें जितने भी 4-5 घंटा जो भी जितना मिलता है मॉर्निंग 8 o'clock to 2 o'clock उतने तक हमें सारा काम ख़त्म कर देना है यहाँ का। तो पहाड़ में ऐसा ही होता है। बस अभी मैं प्रणवी और नूरू का वेट कर रही हूँ, वो लोग भी मेरे साथ आ रही है। और आज मौसम इतना ख़राब हो रखा है, पता नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे इतना ठंड है तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ठंड होगा। तो इसीलिए बस हम सब लोग पैक होके जा रहे हैं आज। नूरू और प्रणवी भी आ गई अभी, ये दोनों भी मेरे साथ आ रही है। बहुत ठंडा चाहे माथी जन मम्मी तो जा खा ले, माम ने चपाती और सब्जी बना के रख। पहले गाड़ी में इतना ठूस ठूस के लेके जाते थे, मतलब बहुत सारे एक ही सीट में कम से कम 4-5 का ऐसा बिठा के लेके जाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो अभी आराम से हम अलग अलग बैठ के एक सीट में मैक्सिमम 2 या 3 लोगों को डाल के लेके जाते हैं वो लोग। बस अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी हमारे ये घर है और गाड़ी यहाँ पे आती है ये नीचे वाले रोड में, तो इजी है। यहाँ से बस ऐसा जंप करो तो नीचे गाड़ी आ जाता है नीचे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी निकल के बैठना पड़ता है, नहीं तो सीट नहीं मिलता, यही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। प्रणव यहाँ बैठ के खा रही है और गाड़ी हमारा आ गया है अभी। नूरू इज रेडी, प्रणव इज ऑल्सो रेडी। चलो चलो बैठो चलो बैठो 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 चलो, यहाँ से खेल ना, इधर से खोल यहाँ से। जानची तो गेट इन, गेट इन करना भी बस इतना बस ही बैठ छी प्रणवी वेरी बैठ। हुन्छ सब हम गाड़ी में बैठ गए। अभी अब हम सब गाड़ी में बैठ गए। प्रणवी बैठी ओके। अब यहाँ से हमारा 45 मिनट्स का ट्रैवलिंग है फ्रॉम हियर टू करसंग। और बस आप लोगों को मैं आज एक्सप्लोर करूंगी थोड़ा बहुत करसंग का। जब हम स्कूल जाते थे तो यही ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता था, इसमें पूरा पानी भर जाता था जब बारिश का टाइम होता था। सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं अभी, जहाँ पे मैं स्कूल पढ़ती थी वो यही इसी गांव में है। देखो इधर से अंदर जाना होता है। फाइनली हम करसंग बाजार पहुंच गए और कम से कम 40 मिनट्स का ट्रैवलिंग था मेरे घर से यहाँ तक का। यही करसंग है, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम लगा रहता है ये वाला रोड में। प्रणवी माय गॉड, ठंडा लगेगा तुम्हारा? गर्मी को लगे। सारा
बहुत जरिए अलग खुले हुए जैसे रंग सुन रही ये है करसेंग का छोटा सा रेलवे स्टेशन और अभी हम यहाँ पे खड़े अब ये ट्रेन लगे हुई है अभी ये ट्रेन जाएगी दार्जिलिंग यहाँ से अभी यहाँ काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का अभी बाजार का काम जो भी था बैंक वैंक का सब खत्म हो गया अब मैं जा रही हूँ यहाँ एक ईगल क्रैक करके एक छोटा सा एक पार्क है जहाँ पे थोड़ा मतलब साइट सीन वगैरह है तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ प्रणवी और नूरू भी है मेरे साथ है ना प्रणवी आज प्रणवी पहली बार जा रही है उस जगह मैं तो बहुत बार जा चुकी हूँ जब कॉलेज के टाइम था तभी मैं जाती थी और आज प्रणवी ने एक पर्स खरीदा है और वो पर्स का मैं आप लोगों को बताऊं तेरा नहीं, पर्स दिखा ना कि मुझे के मुद्रम दिखा ना देखा था अभी हम इस टावर के वहाँ पहुँचना है और यहाँ से अब 5 मिनट का दूरी है चल के जा रहे हैं हम अभी आज प्रणवी थक गई प्रणवी बोल रही है मुझे उठा लो गोदी देखो प्रणवी को इतना भी नहीं चल सकती बताओ बस सुबह से खा ही रहे उसमें से एनर्जी तो आना चाहिए ना खाने का फाइनली हम पहुँच गए ईगल क्रैग इस जगह का नाम है और ये छोटा सा प्यारा सा एक पार्क जैसा बना हुआ है और यहाँ से काफी खूबसूरत सा व्यू वगैरह दिखता है चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहूंगी टिकट लेनु पर्छ यहाँबाट थैंक यू ये है हवा घर बहुत ज्यादा मतलब काफी कम से कम 20 फीट जितना इसका हाइट है ये काफी ऊंचाई में बना हुआ है हम कॉलेज के टाइम में बहुत आया करते थे इधर ये सब नया बनाना चाहिए पीएचई का पानी है ये वाटर टैंक है ये दो और यहाँ से पूरा करसेंग और जगह में यहाँ से पानी सप्लाई होता है ये शहीद स्मारक है और ये हमारे जितने भी आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे बनाया हुआ है ये अब मैं ये वाला हवा महल में चढ़ रही हूँ ये है हवा घर जहाँ पे मुझे काफी ऊपर तक जाना है कम से कम यहाँ से 20 फुट की ऊपर है आओ नूर रणवी तो डर के मारे नहीं आया और मैं और सिर्फ नूरू ही चढ़ रहे हैं ऊपर रणवी यहाँ बैठी है देखो उसको डर लग रहा है ऊपर चढ़ने में तो काफी ऊंचाई में है ये हवा घर यहाँ से सब जगह का व्यू दिखाई देता है आप लोगों को देखो हम पहुंच गए अभी ये है करसेंग बाजार यहाँ से पूरा इसका व्यू दिखाई देता है और नीचे प्रणवी बैठी है डर के मारे ऊपर आई नहीं प्रणवी आजा बाबा
पूरा व्यू दिखे थे चारों तरफ का। अभी यहाँ पूरा फॉग लगा हुआ इसलिए क्लियरली दिखाई नहीं देता, बट यहाँ से सिलीगुड़ी वगैरह सब दिखाई देता है इधर से। लुनी लडे भने अब सिधै मामाको घर चल, मतलब बङ्गावरी भन्छ। ला यो कसको कुकुर हो? प्रणवी देखि कुत्ता तेरी पिछे पिछे आ रहा है, देख। आइज 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 बच्चा आइज आइज तल दिन्छु ल, आइज। के खाने छैन? केही छैन, जा प्रणवी देला एउटा फुलौरो। प्रणवी हेर दिइहाल न एउटा बिस्किट। ला तेरे पिछे पिछे आउँदैछ। लौ मन पराए के। अभी हम खाना खाने आए और ये प्रणवी का फेवरेट रेस्टोरेंट है और प्रणवी का फेवरेट फूड। आज काफी दिन बाद हमें डोसा खाने को मिला है। यहाँ का ये जो पनीर मंचूरियन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हम जब भी आते हैं यहाँ पे पनीर मंचूरियन खा के ही जाते हैं।